गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से एजुकेशन एप की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, जैसे कि दूर की देखने वाला दूरदर्शी, दूसरों के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, जो पढ़ा लिखा ना है वो अनपढ़। तो ऐसे ही एक पूरे वाक्य के लिए एक ही शब्द का उपयोग करना क्या कहलाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांशों या अनेक शब्दों के स्थान पर कभी 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 एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है। और भाषा है जो प्रभावशाली बनती है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द देखो। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। सत्य बोलने वाला, सदा सत्य बोलने वाला। क्या कहलाएगा ये? सत्यवादी। क्या कहलाएगा? सत्यवादी। और जिसकी बुद्धि तेज हो, वो तेज बुद्धि वाला क्या कहलाएगा? क्या कहना है? कुशाग बुद्धि। ऐसे बहुत से सर जो पढ़ा लिखाना है वो बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उसको क्या करते हैं? स्कूल। तो
तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ, और भी आपको काफी उदाहरण देखेंगे। देखो जो अपनी ओर आकर्षित करे, जो अपनी ओर आकर्षित करे वो क्या कहलाएगी? आकर्षण। और अपनी जीव में लिखने वाला क्या कहलाएगा? आत्मकथाकार। जो अपनी आकाश में दिखाई देने वाला सात रंगों का धनुष क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। आकाश में दिखाई देने वाला सात रंगों का धनुष क्या कर रहा है? इंद्रधनुष। बारिश के लिए तुम्हें होता है ना इंद्रधनुष। ऐसे बहुत सारे शब्द है जिनका एक शब्द में बोलना होता है। जिसके हाथ में चक्र हो क्या कहलाएगा? चक्रपाणी। जिसे करना कठिन हो दुष्कर। पुस्तकों का घर। क्या कर रहे हैं? पुस्तकालय। जो हर स्थान पर हो। सर्वव्यापी। क्या कहलाएगा? सर्वव्यापी। और क्या होता है सर्वव्यापी? जो हर स्थान पर पाया जाता है क्या होता है? भगवान ईश्वर जो सर्वव्यापी हैं, हर जगह मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, वो आपको समझ में आ गए कि भी कभी कभी वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है, जिससे जो हमारा जो भाषा है वो रुचिकर और प्रभावशाली हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।